रुद्रप्रयाग शहर अब जल्द ही बदलते रूप में नजर आएगा। पब्लिक वेलफेयर फंड से शहर का कायाकल्प हो रहा है। जिले में इन दिनों केंद्र सरकार की दो बड़ी परियोजनाओं के तहत शहर को सजाया जा रहा है। नमामि गंगे योजना के तहत अलकनंदा व मंदाकिनी तट पर बनारस की तर्ज पर 5 घाटों का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही भारतीय रेलवे शहर व प्रभावित गांवों में 20 करोड़ रुपए की योजनाओं से शहर और गांव को सजाने का काम करेगा। BHEL यहां 20 लाख की लागत से विकास योजनाओं को आगे बढ़ाएगा। 4 करोड़ की लागत से बहुउद्देशीय गुलाबराय मैदान को स्टेडियम का स्वरूप दिया जाएगा। इसके अलावा 4 करोड़ रुपए की लागत से शंकराचार्य अस्पताल का भी कायाकल्प होगा। वहीं करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से शहर में ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा। अलकनंदा नदी से सटकर रुद्रा बैंड से करीब 3 किलोमीटर का मरीन ड्राइव तैयार करने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ETV भारत, उत्तराखंड डेस्क, हैदराबाद।